Now we will see strike, full dip, apparent dip. हम बहुत सारे वीडियोस आपको भेजे हैं, उसमें कई बार दिखाएंगे, डिप डायरेक्शन दिखाया होगा, डिप्लोइंग में देखे बताया था कि डिप बताना जरूरी है, स्ट्राइक बताया था, डेवलपमेंट में बताया था, एक डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट का पैनल भेजा था जिसको हमने अलॉन्ग स्ट्राइक डेवलपमेंट किया था, मतलब स्ट्राइक में मेरे ज्यादा पिलर थे और डिप में कम थे, फुल डिप में कम थे, ठीक है। तो वो होता क्या है, जब तक वो ही नहीं पता रहेगा तो ये बेसिक चीजें है, बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्राइक, अब एक फिगर को पहले देखिए, तो डेफिनेशन तो हम ऐसे ही बता देंगे। ये दो फिगर बनाए हैं, ये जो हम ऊपर दिखाएं, ये क्या स्ट्राइक, क्या लिखा है स्ट्राइक, ठीक है, ये स्ट्राइक है, ये क्या है स्ट्राइक है, और ये सीधा जो दिखाई डायरेक्शन ऑफ फुल डिप है, क्या है डायरेक्शन ऑफ फुल डिप है, और ये वाला जो एंगल बना है इसको बोलेंगे फुल डिप, क्या बोलेंगे फुल डिप। इस फिगर देखिए, ये क्या है स्ट्राइक है, ये डायरेक्शन ऑफ फुल डिप है, और ये एक और एंगल बताया यहां पर, इसको क्या बोल रहे हैं अपेरेंट डिप। अब फुल डिप और अपेरेंट डिप की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले स्ट्राइक, ये क्या है, ये लेवल लाइन है, फिगर में देख रहे ना आप, क्या दिख रहा है लेवल लाइन है, किसी भी इंक्लाइन कोलसिम या रॉक बेड में एक लेवल लाइन होती है। तीन बात है स्ट्राइक का, जब भी डेफिनेशन लिखेगा तीन बात दिमाग में रखिएगा। पहला बात क्या बोले हम कि स्ट्राइक इज अ लेवल लाइन इन ए इंक्लाइन कोलसिम आर रॉक बेड, एक बात। दूसरा बात, इस लेवल लाइन या स्ट्राइक पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका एल्टीट्यूड हाइट जो है एक जैसा ही रहेगा, तो क्या बोलेंगे ऑल पॉइंट्स इन इट्स हैविंग द सेम अल्टीट्यूड, ठीक। अब दूसरी बात, तीसरी बात, दो बात हो गया, तीसरा बात फिगर को देखिएगा, ये लाइन जो दिखाई क्या है डायरेक्शन ऑफ फुल डिप है, और ये स्ट्राइक लाइन है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या बोलते हैं, 90 डिग्री क्या बोलते हैं राइट एंगल, तो क्या बोलेंगे स्ट्राइक लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ फुल डिप इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स। समझ आए ना, कितना बात बोला स्ट्राइक में, तीन बात बोला, क्या बोला कि ये देखिए यही लिखा है सब यहाँ पे, द स्ट्राइक लाइन इन एन इंक्लाइन कोल सीम और रॉक बेड इज ए लेवल लाइन, ठीक है, किसी भी इंक्लाइन सीम या रॉक बेड में एक लेवल लाइन होती है, एक बात। दूसरा बात क्या लिखा, ऑल पॉइंट्स इन इट्स हैविंग द सेम अल्टीट्यूड, दो बात हो गई। तीसरा बात क्या लिखा, द स्ट्राइक लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ फुल डिप आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, इस फिगर को देख के आप बोल सकते हैं तीसरा बात। तीसरा बात देखिए, स्ट्राइक लाइन, ये स्ट्राइक लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ फुल डिप आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये 90 डिग्री बन रहे ना, तो हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं फुल डिप पर, अब काहे पे आएंगे फुल डिप या ट्रू डिप, देखिए फिगर को देखिएगा, ये क्या बताया डायरेक्शन ऑफ फुल डिप, दिख रहा है वहां से क्या लिखा है डायरेक्शन ऑफ फुल डिप, ये डायरेक्शन, और ये जो एंगल बना इसको क्या बोल रहे हैं फुल डिप, फुल डिप को ही हम ट्रू डिप बोलते हैं, फुल डिप इज ऑल्सो नोन एज ट्रू डिप। तो ये कोई मान लो मेरा ऐसा कोलसिम है, ठीक है, ये क्या है मेरा कोल सीम है, ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, ये स्ट्राइक लाइन हुआ या स्ट्राइक बोलेंगे, और ये सीम का इंक्लिनेशन किस तरफ है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं फुल डिप, उसको क्या बोलेंगे फुल डिप। तो फुल डिप क्या है, फुल डिप इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन आप ए कोलसीम आर रॉक बेड फ्रॉम हॉरिजेंटल, क्लियर, एंड इट्स डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ फुल डिप, डायरेक्शन ऑफ फुल डिप
इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द स्ट्राइक। ये चीज हम वहां पे बताए स्ट्राइक के डेफिनेशन में। तो इसका डेफिनेशन एक लाइन का तो हुआ, क्या है ये फुल डीप? फुल डीप इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन। मैक्सिमम को हम शॉर्ट में लिख दे रहे, मैक्सिमम इंक्लिनेशन। फुल डीप क्या है इतना बार याद रखना आपको, ये वर्ड ये उसका डिप्रेशन का मेन पार्ट है। फुल डीप इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए कोल सीम, ऑफ ए कोल सीम और रॉक बेड, और बेड रॉक बेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एंगल है तो कहां से लेंगे, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फुल डीप स्ट्राइक लाइन के साथ क्या रहेगा हमेशा 90 डिग्री पे। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फुल डीप इज एट राइट एंगल से, शॉर्ट में राइट लिख दिया हूं, मेथड इसमें ऐसे नहीं लिखते थे, राइट एंगल टू द स्ट्राइक। स्ट्राइक बोलिए, स्ट्राइक लाइन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें, मतलब टू डिप या फुल डिप किसको बोले, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ कोल सीम आर रॉक बेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द स्ट्राइक। फिगर को देख करके भी आप ये बातें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, ये क्या है भैया, ये वाला क्या है आपका, यहां से यहां तक का जो एंगल बना ये तो फुल डिप है, और ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ फुल डीप है, ये डायरेक्शन ऑफ फुल डीप है ना, डायरेक्शन ऑफ एफडी लिख दिया, एफडी मतलब फुल डीप, ठीक है। लेकिन और एक चीज बना है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ अपेरेंट डीप है, और इतना जो एंगल बना ये वाला या ये वाला, ये क्या है, ये अपेरेंट डीप है। तो अपेरेंट डीप इज अ डीप ऑब्जर्व्ड इन एनी डायरेक्शन बट इट इज ऑलवेज लेस देन फुल डीप। फुल डीप तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो रही है स्ट्राइक लाइन के साथ, और ये हमेशा अपेरेंट डीप जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, मतलब फुल डीप से हमेशा कम रहेगा, इतना ही लिखना है। तो लिखना होगा क्या, अपेरेंट डीप, अपेरेंट डीप का क्या लिखेंगे, इज ए डीप, इज ए डीप ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन एंड इट इज ऑलवेज लेस देन, इट इज ऑलवेज लेस देन फुल डीप और टू डीप, एफडी लिख दे मतलब फुल डीप, ठीक है। इतना ही है, इनको बढ़िया से तैयार कीजिएगा, टेक्नोलॉजी में, सर्वे में, जियोलॉजी में तो काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है।